बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2, पार्ट 2। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक वीडियो सिग्नल किस तरीके से बनता है, और उसके साथ थोड़ा सा हम सेंसर साइज़ को भी डिस्कस करेंगे। मेनली हम सेंसर साइज़ को लेंस के साइज़ के साथ ही डिस्कस करेंगे जब लेंस का टॉपिक आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है कुछ। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नॉइजी इमेज को देखेंगे कि किस तरह का होता है। देख लें जी, इस तरह का होता है नॉइजी इमेज अक्सर बेशतर। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, लाइक अगर आप लो लाइट लेवल के अंदर कोई तस्वीर खींचें तो नॉइज़ ऐड हो जाती है, इसी तरह का इमेज आता है आपके पास। आप कोई चैनल की सेटिंग कर रहे हो तो फिर आपको नॉइजी इमेज मिलते हैं, सॉरी नॉइजी चैनल्स मिल रहे होते हैं, इस तरह की नॉइज़ ऐड हुई भी होती है, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और उसके साथ हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर स्कैनिंग टेक्निक्स का जिक्र किया था, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव, दो तरह की टेक्निक्स होती थी, एक प्रोग्रेसिव एक इंटरलेस्ड। प्रोग्रेसिव क्या करती थी, लाइन बाय लाइन आपकी पिक्चर्स बनाती थी, ठीक है। इंटरलेस्ड ऑड और इवन के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट था। पहले ऑड लाइन्स स्कैन होती थी, फिर इवन होती थी, फिर ये दोनों सिंक होकर इंटरलेस्ड होते थे एक खास रेशो से, जिसको हम 2:1 कहते थे, और ये एक इमेज बनता था इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि एक इमेज किस तरीके से बनता है, तो इंटरलेस्ड के अंदर क्या होते हैं, दो फील्ड्स होती हैं वो ऑड और इवन, पहले ऑड बनते हैं फिर इवन बनते हैं फिर सिंक होता है, और फिर उसके बाद ये इंटरलेस्ड होते हैं 2:1 में। 2:1 में क्यों होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि 2:1 के अंदर क्यों होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दो फील्ड्स हो गई और वन जो है ना वो फ्रेम को शो कर रहा था, दो फील्ड से एक फ्रेम बन गया। एक फ्रेम आपकी एक इमेज के बराबर होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें, इसके अंदर ये हो गई कि ये देख लें आप, प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास इस तरीके का क्लियर इमेज आ रहा होता है। ये मोशन पिक्चर्स के लिए प्रोग्रेसिव बहुत अच्छी है, जबकि स्टैटिक पिक्चर्स के लिए आपकी इंटरलेस्ड बहुत अच्छी है। देख रहे हैं मोशन पे इसने किस तरह का इमेज दिया। अगर आपने कभी किसी फ्लोर की मॉनिटरिंग करनी हो, किसी ऑफिस की करनी हो, किसी रूम की करनी हो, तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग बहुत अच्छा इमेज देती है, ठीक है। तो स्टैटिक इमेजेस के लिए इंटरलेस्ड बहुत अच्छी है, मूवमेंट वाली पिक्चर के लिए या जो मोशन वाली पिक्चर होती है वो प्रोग्रेसिव बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ये हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ वीडियो सिग्नल किस तरीके से बनता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं, यानी बहुत सारी तस्वीरों को मिला के एक ख़ास स्पीड से मूव करवा दूँ, तो फिर वो हमारा एक वीडियो सिग्नल बन जाता है, ठीक है। वीडियो सिग्नल किस तरीके से बनता है आपको मैंने अभी बताया। अब फ्रेम्स पर सेकेंड एक टर्म है, आपका कैमरा एक सेकेंड के अंदर कितनी तस्वीरों को खींचने की सलाहियत रखता है, डैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक ख़ास स्टैंडर्ड होता है, फ्रेम्स की वैल्यू होती है, जिसपे हमें रियल टाइम इमेज मिलता है, ठीक है। लाइक अक्सर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपके सामने एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गो कि ऐसा नहीं होता। वो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं जो इतनी स्पीड से मूव हो रहे होते हैं कि आपको लगता है ये वीडियो चल रही है, ठीक है। उस चीज़ को, उस नंबर ऑफ इमेजेस को जिस खास स्पीड के साथ हम लोग मूव करवाते हैं ना एक सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। ये जो फ्रेम्स हैं वो आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। आप घर में कोई तस्वीर खींचते हो और आप उसको ले जाते हो फ्रेमिंग करवाते हो, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है कि इमेज को हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। एक इमेज कैसे बनता है, दो फील्ड से मिलके बनता है। दो फील्ड से हम क्या मुराद है, ऑड और इवन, ये सिंक होते हैं और सिंक होने के बाद इंटरलेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक इमेज बनता है। ये जो सिंक की मैंने बात की है ना, ये जो मैंने अभी दोबारा रिवाइज़ किया है, दोबारा रिपीट जो किया है, इसकी वजह ये है कि जो सिंक है ना, सिंक होता कैसे, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको एक एसी सिग्नल रिक्वायर्ड होता है। वो एसी सिग्नल के दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक यूके का स्टैंडर्ड है और एक यूएस का स्टैंडर्ड है, ठीक है। उस यूके के स्टैंडर्ड को हम लोग पैल कहते हैं, फेज़ अल्टरनेट लाइन, और यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं NTSC, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। NTSC और पैल दो एनालॉग वीडियो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये दोनों कमेटी हैं जिन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, ठीक है। इन्होंने दो एनालॉग वीडियो स्टैंडर्ड्स बनाए, एक पैल एक NTSC, ठीक है। NTSC 60 Hz पे ये काम करते हैं और पैल 50 Hz के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये यूके रीजन, हर वो जगह जहाँ पे 50 Hz की फ्रिक्वेंसी यूज़ हो वो पैल सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ है उन्होंने, और जहाँ पे 60 Hz वहाँ पे US स्टैंडर्ड है, ठीक है। पैल की हम मज़ीद बात करें तो इसकी स्पेसिफिक उन्होंने डिफाइंड लाइंस बताई हुई हैं, रेजोल्यूशन इसकी और उसमें रेजोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा,
जब हम 60 हर्ट्ज़ की बात करते हैं ना, तो फिर हम 120 वोल्ट्स की बात करते हैं, और जब हम 50 हर्ट्ज़ की बात करते हैं तो हम 220 वोल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, मोस्टली अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसके अंदर हमारा NTSC यूज़ हो रहा होता है, जिसके अंदर पहल यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर 240 हर्ट्ज़ यूज़ होता है, 240 वोल्ट्स, क्या हो गया मुझे, ठीक है, तो 240 वोल्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, 220 या 240 आप कुछ भी कह लें, ठीक है। तो मेनली पाकिस्तान के अंदर पहल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो NTSC और पहल आपके समझ में आ गया। अब NTSC और पहल की अपनी भी कोई रेजोल्यूशन होगी, सही ना, तभी वीडियो स्टैंडर्ड है। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन आपके पिक्चर की फाइन डिटेल को एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। आपकी पिक्चर कितनी ज़्यादा फाइन है, सही है। रेजोल्यूशन दो तरह की होती है, एक रेजोल्यूशन एनालॉग कहलाती है और एक डिजिटल रेजोल्यूशन कहलाती है। जब कभी भी हम एनालॉग रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल टेलीविजन लाइंस की बात करते हैं। टेलीविजन लाइंस क्या होती हैं? टेलीविजन लाइंस ये होती है जिस तरीके से मेकिंग ऑफ वीडियो सिग्नल मैंने लिखा है ना हॉरिजॉन्टल वे में, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से होती हैं, सही है ना। आप ये कह लें कि ये चीज़ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी, ठीक है। सिंपली आप ये भी देख लें कि ये जो लाइन है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी? ये एनालॉग रेजोल्यूशन कहलाएंगी आपकी। हम एनालॉग रेजोल्यूशन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस की ही क्यों बात करते हैं, वर्टिकल की क्यों नहीं करते? तो इसके दो रीजंस हैं, गो के ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मगर बात निकली है तो फिर आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो सबके जहन में यही सवाल आ रहे होंगे कि ये वर्टिकल क्यों नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल क्या है, ये सब, ठीक है। तो इसके सिंपल से दो सवाल हैं, दो जवाब हैं कि एक, मैंने मेकिंग ऑफ वीडियो सिग्नल की जो हेडिंग डाली है, अगर मैं ये चीज़ आपको वर्टिकल में लिख के दिखा दूँ तो वो ज़्यादा पढ़ने में आसान होगा, या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल में जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है उस तरीके से? ऑफ़ कोर्स हॉरिजॉन्टल वे में। एक वजह तो ये हो गई कि हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, हमें अगर कोई पिक्चर वर्टिकल में दिखाई जाए तो वो मुश्किल होगी, अगर हमें हॉरिजॉन्टल में दिखाई जाए तो वो आसानी होगी, एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह इसकी ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक फ्लोर के ऊपर खड़े हैं और आपने उसको मॉनिटर करना है, तो आप उसकी किस इंफॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट समझेंगे? अगर उस फ्लोर के अंदर लेफ़्ट साइड पे एक दरवाज़ा है और राइट साइड पे एक दरवाज़ा है जो कि 100 कदम के फासले पर है, तो आप लेफ़्ट से राइट के दरवाजे को कवर करेंगे या फ्लोर से सीलिंग की जाने? ऑफ़ कोर्स लेफ़्ट से राइट दरवाज़ा या राइट से लेफ़्ट दरवाजे को आप कवर करेंगे। आप फ्लोर से सीलिंग की इंफॉर्मेशन आपको क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट। बंदे तो सीलिंग और फ्लोर पर तो नहीं चलेंगे ना, वो तो गेट से, लेफ्ट गेट से एंट्री लेंगे और राइट गेट से अगर एग्जिट है उनकी, तो फिर आपने तो लोगों को मॉनिटर करना है। तो इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल की डायमेंशंस ज़्यादा रखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल की रेजोल्यूशन पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है जी। NTSC और पहल की जब हम बात करते हैं ना, तो फिर NTSC मैंने आपको बताया कि US का स्टैंडर्ड है, 120 वोल्ट्स के ऊपर काम करता है, 60 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू होती है। अब 30 FPS यानी 30 FPS की मैं बात करूं अगर आपसे, तो 30 FPS की फ्रेम्स पर सेकंड, आपको पता है कि एक सेकंड के अंदर आपका कैमरा कितनी इमेजेस को खींचने की सलाहियत रखता है, डैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम्स पर सेकंड। अगर एक कैमरा 30 पिक्चर्स को खींचता है एक सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है वो आपको एक रियल टाइम इमेज दे रहा होगा। रियल टाइम इमेज से क्या मुराद है? एक आपको वो वीडियो, आपको वो बिल्कुल एज अ स्मूथ वीडियो नज़र आएगी। लाइक अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और अपने हाथ को वेव कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके मिरर में आपको अपनी तस्वीर नज़र आ रही थी मूवमेंट वाली, बिल्कुल उसी तरह से 30 FPS पे आपको वैल्यू नज़र आएगी। ये 30 FPS की वैल्यू NTSC में होती है, पहल के अंदर 25 FPS पे वही सेम काम हो रहा होगा जो उसके 30 FPS पे होगा, ठीक है। अब ये 30 और 25 FPS आई कैसे? 30 FPS का मतलब हो गया 30 images per second, ठीक है। एक इमेज आपके कितनी फील्ड से मिलके बनता था? दो फील्ड से मिलके बनता था, 30 into 2 60 images per second का मतलब ये हो गया 60 hertz रेफर करता है NTSC को, ठीक है। पहल की बात करते हैं, पहल में मैंने कहा था 25 FPS पे आपको रियल टाइम मिल जाता है, ठीक है। 25 FPS का मतलब हो गया 25 images per second, 25 images, एक इमेज कितनी फील्ड से मिलके बन रहा है? दो फील्ड से, तो इसका मतलब 25 into 2 50 images मुझे किस पे मिलेंगे? जब मेरी
25 ऑड जाएंगी, 25 इवन जाएंगी, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, 50 इमेजेस पर सेकंड डिवाइड बाय 2 करूंगा, मेरे पास 30 फ्रेम्स पर सेकंड आ जाएंगे, सॉरी 25 फ्रेम्स पर सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक फ्रेम जो है ना, वो जब ऑड और इवन दोनों चीज़ें मिलके जब एक इमेज बनता है तब वो फ्रेम कहलाता है। आप ये ना समझें कि जो है ना वो इमेजेस और फ्रेम अगर एक हैं तो फिर ये क्या कहानी होगी, नहीं, जब दो फील्ड्स मिली एक इमेज बना, वो एक इमेज फ्रेम बना है, ठीक है। तो NTSC और PAL में आपको फ़र्क समझ में आ गया, इसके आगे अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में वो इनके दरमियान डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। 60 हर्ट्ज़ पता चल गया, 30 FPS पता चल गया आपको, US कैनेडा का स्टैंडर्ड है ये, कैनेडा में भी यूज़ होता है ये, ठीक है। अब दो और चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात होती है ना, तो वो है जी 525 लाइंस, ठीक है, और PAL के अंदर 625 लाइंस होती है। जब कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड 525 लाइंस को यूज़ करे, या कोई भी ऐसी जगह जो, या कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन जो 525 लाइंस को यूज़ करे, वो आपकी NTSC कहलाती है, और 625 लाइंस को यूज़ करे तो वो आपकी PAL रेजोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो ये दुनिया के, अगर हम मेनली इंडो पाक की बात करें तो फिर ये जो है ना आपका PAL रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके 220 वोल्ट्स हैं, और यहाँ पे 120 वोल्ट्स को NTSC 120 वोल्ट्स होती है और PAL रेजोल्यूशन 220 वोल्ट्स होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, 60 हर्ट्ज 120 वोल्ट, ठीक है। NTSC और PAL में ये भी हो गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ लाइंस के कम और ज़्यादा होने से क्या होता है, रेजोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट होता है। PAL की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा है, जिसकी नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा होगी उसकी डिटेल ज़्यादा होगी पिक्चर की। तो PAL की है जी 625 लाइंस और NTSC की है जी 525 लाइंस, आप खुद ही समझ सकते हैं कि NTSC की रेजोल्यूशन कम होगी PAL के मुकाबले में, ठीक है। मगर अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक 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 गाड़ी है, ठीक है, उसके अंदर कोई 6 बंदे बैठे हैं, वो ज़्यादा फास्ट चलेगी, या एक गाड़ी जिसके अंदर 2 बंदे बैठे हैं वो ज़्यादा फास्ट चलेगी? बिल्कुल, जिसके अंदर 2 बंदे बैठे हैं वो ज़्यादा फास्ट चलेगी। इसी तरीके से NTSC में चूंकि नंबर ऑफ़ लाइंस कम है तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा होती है, और PAL की ट्रांसमिशन स्पीड कम होती है, क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा है। इसकी रेजोल्यूशन तो अच्छी होती है NTSC से, मगर इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कम होती है। अगर आप मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर जाएँ और आप देखें ना NTSC और PAL के दरमियान, अगर आप वीडियो डिफरेंस देखेंगे तो फिर आप मिसाल के तौर पर कोई गेम अगर आप खेल रहे होंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे, अगर आप जंप दबा रहे हैं या आप रनिंग की कोई बटन दबा रहे हैं तो आप भी देखेंगे कि NTSC वाला पहले रन कर लेगा और थोड़े से गैप के साथ फिर PAL वाला रनिंग स्टार्ट करेगा, या जंप की बटन दबाई, दोनों के साथ आपने जंप की बटन दबाई है तो पहले NTSC वाला जो है ना आपके पास जंप कर लेगा और PAL वाला थोड़ी सी देर के बाद करेगा, ठीक है। तो 525 लाइंस, ये जो 525 लाइंस, ये तो एनालॉग रेजोल्यूशन हो गई। इसकी डिजिटल रेजोल्यूशन क्या होगी, 720x480, ठीक है, 720x480, 480 को हम लोग देखते हैं, 480 और 576, सही है, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये आप ये समझ लें कि NTSC के मैं बराबर में लिख रहा हूँ, सेवन ट्वेंटी इंटू 480, और ये मैंने कॉमा मारा और मैंने एक दूसरी रेजोल्यूशन लिख दी 720x576, ठीक है जी। 720x480 ये जो रेजोल्यूशन है आपकी, ये वाली जो रेजोल्यूशन है ना 720x480, ये आपकी है जी NTSC की, ठीक है, और ये वाली जो है, ये वाली आपके पास PAL की है, ठीक है। तो 720x5, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 576 है, तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी बनिस्बत इसके, क्यों, इसकी 580 है बेचारी, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ NTSC की अगर हम बात करते हैं तो NTSC के अंदर 60 हर्ट्ज़ होता है, ये US का स्टैंडर्ड है, 60 हर्ट्ज़ को यूज़ करता है, 60 हर्ट्ज़ की वजह मतलब ये हो गया 120 वोल्ट्स की बात करता है, 60 हर्ट्ज़ का मतलब 60 IPS, IPS को हम जब डिवाइड बाय 2 करते हैं हमारे पास फ्रेम्स आते हैं, तो हमारे पास 30 फ्रेम्स आते हैं। इसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो 525 लाइंस एनालॉग में होती है, डिजिटल में हम बात करें तो 720x480 रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड यानी सेंडिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास लाइंस
कम होती हैं, इसके पास रेजोल्यूशन इसकी कम है। पहल की हम बात करते हैं, पहल 50 हर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया एशिया वगैरह में यूज़ होता है, यूरोप का मेनली स्टैंडर्ड है ये। 25 FPS के ऊपर काम करता है, कैसे काम करता है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब 50 IPS एक इमेज दो फील्ड से मिलकर बनता है, डिवाइड बाई टू करेंगे आपके पास फ्रेम्स पर सेकेंड आ जाएंगे, वो 25 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसकी सेंडिंग स्पीड कम होती है, मगर इसकी सेंडिंग स्पीड क्यों कम होती है, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, इसको स्कैन करने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। 625 लाइंस है और 720x576 इसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। इसके दरमियान दो तीन डिफरेंसेस हैं, वो भी हम देख ले, वो हमने कवर कर ही लिए, मगर मेनली डिफरेंस मैंने लिखे नहीं है, वैसे ही आप जनरली देखना चाहें देख लें कि NTSC और पहले के दरमियान पहला डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ कहते हैं। सबको पता है कि जो है ना 50 हर्ट्ज़ क्या है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब 50 IPS है, डिवाइड बाय 2 किया 25 IPS आ गया, ठीक है। NTSC और पैल में जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, 60 हर्ट्ज़ आपका NTSC का है, 50 हर्ट्ज़ आपका पैल का। दूसरा डिफरेंस इसका रेजोल्यूशन का है, आपको रेजोल्यूशन के बारे में पता चल गया, उसकी 480 रेजोल्यूशन, इसकी 576 रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन के मुकाबले में अगर देखा जाए तो पैल ज़्यादा अच्छा है, NTSC थोड़ा सा कम है, ठीक है। मगर आप जब इन दोनों की वीडियो देख रहे होंगे तो आप इतना ज़्यादा नहीं बता सकते, मतलब इतना ज़्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है ये, मगर डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है वो कलर है, कलर जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है पैल का, NTSC का थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अब एक और सवाल ये आ जाता है कि भाई दोनों में, दोनों क्या आपस में कंपैटिबल हैं, NTSC की कोई भी चीज़ मैं पैल पे चलाना चाहूँ और पैल की कोई भी चीज़ मैं NTSC पे चलाना चाहूँ, चलेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके कन्वर्टर्स आते हैं, मगर कन्वर्टर हम लोग रेफ़र नहीं करते, रेकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके जो कन्वर्जन टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। वो बड़ा बहुत लंबा टाइम लेते हैं ये लोग NTSC से पैल में और पैल से NTSC में करने के लिए। मगर उसके बावजूद अगर आप करना चाह रहे हैं, उसके अलावा बैंडविड्थ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर उसके अलावा भी कोई बंदा कहता है नहीं भाई मैंने तो करना है, तो ठीक है भाई तू कर ले। NTSC 30 फ्रेम्स हैं, पैल 25 फ्रेम्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा अगर आपने कोई भी चीज़ पैल किया, आपने NTSC पे चलानी, तो आपको 5 फ्रेम्स ऐड करवाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो वीडियो जर्की आएगी, वीडियो स्मूथ नहीं आएगी। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, एक मिनट रुके मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। ये देखें, जब आपके पास 30 FPS की वैल्यू होगी तो फिर आपको बिल्कुल गाड़ी की स्मूथ मूवमेंट नज़र आएगी। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी की बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट नज़र आएगी, सॉरी मैंने कहा लकीन मार दी, ठीक है, स्मूथ मूवमेंट नज़र आएगी। मगर अगर आपके पास 10 FPS होगी, जैसे अच्छा हाँ आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, 30 FPS पे आपको बिल्कुल रियल टाइम नज़र आएगा। हम लोग जो दुनिया के स्टैंडर्ड है ना, जो मेनली हम लोग रेकमेंड कर रहे थे, मतलब हम लोग तो नहीं, यहाँ पे अगर आप देखा जाए मिडिल ईस्ट के स्टैंडर्ड, तो 15 FPS है। 15 FPS के अंदर भी जो है ना, 15 अगर आप FPS की बात करते हैं ना, 15 FPS के अंदर भी जो है ना आपको बिल्कुल रियल टाइम ही इमेज आएगा। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं आ रही होती अगर आप 30 से 15 पे आ जाते हैं। हाँ, जहाँ पे आपने 12 FPS 10 FPS करनी शुरू की, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वीडियो जो है ना रुक रुक के आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिस नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी? पहली गाड़ी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, फिर 10 के जब आपने 10 FPS आपने किया हुआ होगा, सही है ना, तो फिर आपको दूसरी गाड़ी यहाँ पे नज़र आएगी और फिर तीसरी दफ़ा यहाँ पे नज़र आएगी। मतलब आपको गाड़ी के बीच बीच में तो गैप नज़र आएगी, आपको ऐसे ऐसे नज़र आएगा, ये देखें ऐसे ऐसे गाड़ी नज़र आएगी यहाँ यहाँ, ये बीच बीच की इन्फॉर्मेशन मिस होती जाएंगी आपसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 FPS पर सेट कर दूँ तब क्या होगा? गाड़ी यहाँ पर नज़र आई, फिर एकदम आपको ना वीडियो यहाँ पर नज़र आएगी गाड़ी, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फ्रेम्स पर सेकंड करने से। इसके इससे होता क्या है, अगर आप इससे जो है ना आपकी हार्ड डिस्क की जो है ना स्पेस वो बढ़ जाती है। ये तो हो गई आपकी NTSC। और हाँ, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कोई भी चीज़ पहल की, अगर आपने NTSC पे चलानी, तो आपने 5 फ्रेम्स ऐड करवाने, अदरवाइज़ वीडियो जर्की आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया कि फ्रेम्स क्या कहते हैं, फ्रेम्स कम होने से आपको क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिस हो रही होती है, वीडियो में जर्कनेस ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा अगर आपने देखना तो ये देखना जी, ये होते हैं फ्रेम्स इस तरह के, ठीक है, ठीक है, ये होते हैं फ्रेम्स। ये देख रहे हैं, इसने 15 ही फ्रेम्स दिए हमें, ये पूरे 15 फ्रेम्स है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हमें इस पर भी हमें वो मिल जाती है, क्या हम चीज़ मिल जाती है, हमें रियल टाइम इमेज मिल रहा होता है 15 पे, हमें 30 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिलो जम क्यों बैंडविड्थ। हाँ, जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे आप 25 कर लें, 30 कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो
ये हो जाते हैं आपकी 15 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप पैल सिस्टम को अगर आप NTSC पे यूज़ करना चाहें तो फिर क्या होगा, ब्लैक बार्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब 30 से 25 में जाएंगे तो वो 5 इजाफी हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जो है ना ब्लैक बार्स की सूरत में मेंशन हो जाएंगे। मतलब उसके ऊपर कोई इमेज तो नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो वो है वो तो 25 पे पूरा आ गया। ठीक है, जब 25 आपके पास FPS पे आ जाएगी कोई वैल्यू, तो फिर ये जो -5 करना है वो कैसे करेगा, वो ब्लैक बार्स की सूरत में 5 कर देंगे। ठीक है, कहीं पूरे इमेज में कहीं 5 बार्स शो हो रही होंगी। ठीक है, कोई मसला है इसके अंदर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोगों को आगे ये जो जब आप कंप्रेशन टेक्निक और DVR NVRs वगैरह या आप कोई भी VMS वगैरह के ऊपर बात करेंगे ना वीडियो मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर ये सिर्फ फ्रेम्स पर सेकेंड NTSC पैल कंपोजिट सिग्नल पीक टू पीक ये सारी बस सिर्फ एक वर्ड के तौर पे यूज़ होंगे, उसकी पीछे की बैक एंड हिस्ट्री आपको पूरी पता होगी। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। बॉस अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप बिल्कुल जो है ना आसानी से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई हिंड्रेंस महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। नई चीज़ समझ में आ रही आप बिल्कुल पूछें, ये आप ही को समझाने के लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कंपोजिट वीडियो की अब हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि NTSC और पैल आपस में इसलिए ना कंपैटिबल होने की वजह ये है कि एक तो इनकी बैंडविड्थ में डिफरेंस है, दूसरा इनके FPS में डिफरेंस है, फ्रेम्स पर सेकंड में डिफरेंस है। ठीक है, यही वजूहत है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंपैटिबल हैं। ठीक है, मगर इसके कन्वर्टर्स आते हैं वो हम यूजली रेकमेंड नहीं करते, मगर अगर कोई करना चाहे तो कर ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, कंपोजिट सिग्नल की हम बात करते हैं। कंपोजिट सिग्नल क्या होता है? कंपोजिट सिग्नल को जो है ना हम लोग, ये जो कंपोजिट है इसको हम लोग CVBS भी कहते हैं। ठीक है, ये CVBS क्या चीज़ है? कलर, वीडियो, सिंक और CVBS मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, सिंक और बी फॉर ब्लैंकिंग। ठीक है, कलर, वीडियो, सिंक और ब्लैंकिंग। सिंक आपको पता है सिंक्रोनाइजेशन, सही है ना, ब्लैंकिंग क्या चीज़ है, कलर, वीडियो, ये चारों चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, मगर हम लोग मेनली स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक को, तो हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट सिग्नल क्या होता है, मेनली CVBS भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, कलर, वीडियो, सिंक और ब्लैंकिंग। ठीक है, एक ये यहाँ पे मैं एक जस्ट फॉर नॉलेज आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ केबल्स होती हैं, वीडियो केबल्स, सही है ना, आपके पास कुछ चीज़ होती है कि वीडियो केबल्स। ठीक है, वीडियो केबल्स कितनी तरह की होती हैं, बहुत देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द वीडियो केबल्स। ठीक है, मगर जनरली हम जिसकी बात करते हैं ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप पहली बात करें तो आपके पास जो सबसे अच्छी होती है ना वो HDMI होती है, HDMI केबल सबसे बेस्ट होती है। अगर आप दूसरी केबल की बात करें उसके बाद कौन सी अच्छी होती है, तो आपकी कंपोनेंट केबल होती है। ठीक है, अगर मैं तीसरी केबल की बात करूं, सबसे पहले नंबर पे HDMI है, मैं बेस्ट टू वर्स्ट चल रहा हूं। ठीक है, तो कंपोनेंट होती है। तीसरी आपके पास एक और केबल होती है जिसको हम SVideo कहते हैं। ठीक है, चौथी की मैं जब बात करूंगा तो चौथी आपकी आती है जी कंपोजिट वीडियो, और पांचवी आपके पास आ जाती है रह दे के जिस पे आपका एनालॉग आज भी चल रहा है, कोएक्सियल। ठीक है, तो पहली HDMI हो गई, फिर कंपोनेंट, फिर SVideo, फिर कंपोजिट, फिर कोएक्सियल। इस तरीके से ये मेनली हम लोग जो है ना सीक्वेंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो चाहिए HDMI यूज़ कर लें, अगर आपको उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ चाहिए तो फिर कंपोनेंट कर लें, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो SVideo और वरना कंपोजिट, अगर आपको बिल्कुल ही वैसी चाहिए अजीब सी तो आप कोएक्सियल यूज़ कर लें, मगर कोएक्सियल में भी डाटा अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो है ना आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है, कंपोजिट वीडियो की अगर हम बात करें तो फिर ये आपके टेलीविज़न, अभी हम मेनली टेलीविज़न की हम बात करेंगे, अब हम लोग आगे जितनी भी चीज़ों की बात करेंगे ना इस लेक्चर के अंदर वो हम टेलीविज़न से रिलेटेड करेंगे। क्यों टेलीविज़न से रिलेटेड? क्योंकि स्टैंडर्ड हम लोग ने जो बनाया है वो हमने TV स्टैंडर्ड से ही बनाया ना कैमरा, तो अगर हमें TV के फंक्शन समझ में आ गए कि TV किस तरीके से काम करता है, तो सिमिलरली हमें कैमरे की हमें जो है ना सर्किटरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अभी मेनली TV की बात करेंगे, टेलीविज़न की, कि टेलीविज़न किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर ये सारे क्या क्या चीज़ें थी जो हमने अपने कैमरे के ऊपर इम्प्लीमेंट की हैं।
ठीक है। सिंपली कंपोजिट वीडियो क्या होता है, कंपोजिट वीडियो की हम बात करते हैं तो फिर ये आपके टेलीविज़न को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है ना अपनी वीडियो को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, एनालॉग फॉर्म के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई VHS को कनेक्ट करवाना है TV के साथ, तब आप ये कंपोजिट सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। DVD प्लेयर को कराना है तो फिर आप कंपोजिट को कर सकते हैं, गेम कंसोल वगैरह के साथ, ठीक है, टेलीविज़न। ये मेनली इसके अंदर जो है ना तीन केबल्स होती हैं। अगर आप इसको कंपोजिट की बात करेंगे ना तो इसके अंदर कोई 3 केबल्स होती हैं, ये सही है, 3 केबल होती हैं, मतलब ये इसका आउटपुट होता है, ये 1, ये 2, ये 3, सही है, ये 3, ठीक है। ये जो है ना अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास ये 3 केबल्स होती हैं, ठीक है, ये इस तरह से होती हैं, ये और ये वाली जो है ना ये रेड इन कलर होती है, ये एक वाइट होती है और एक जो है आपके पास येलो होती है, ठीक है। आपके पास एक कौन सी कलर की होती है, एक रेड होती है, एक वाइट होती है, एक येलो होती है, ये सॉरी, ठीक है, रेड वाइट और येलो। वाइट और रेड को तो छोड़ दें आप, येलो जो केबल होती है ना, जब आप कंपोजिट सिग्नल को, जब आप कंपोजिट वीडियो केबल को जब आप जब आपके पास होगी तो उसके अंदर जो येलो कलर की केबल होगी वो आपकी वीडियो केबल होगी, ठीक है, येलो होती है आपकी कंपोजिट वीडियो की। बाकी रेड और वाइट ये आपकी ऑडियो केबल इसके साथ होती हैं। रेड जो है ना आपकी समझ लें राइट चैनल को यूज़, स्टीरियो सिस्टम जो होता है आपका, स्टीरियो सिस्टम जो होता है उसके राइट चैनल को शो कर रही होती है, और वाइट जो है ना वो लेफ़्ट को, ठीक है। येलो आपकी कंपोजिट होती है, बेचारी अकेली होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं राउंड आउट द सेट, सही है ना, कि वो घूम फिर के खुद ही एक ही वीडियो की केबल होती है, जबकि आप एनालॉग की बात, जब आप ऑडियो की बात करते हो तो रेड एंड वाइट आपके पास होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कंपोजिट वीडियो। कंपोजिट सिग्नल की अगर हम बात करें ना तो सिंपली एक इसका बहुत ही सिंपल और स्वीट आंसर उसका क्या है कि ये मक्स, मक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मक्स इसमें क्या होता है, मैनी इनपुट्स बट वन आउटपुट, सही है ना, मैनी इनपुट्स बट वन आउटपुट, ये मक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ये आके एक बन जाते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ये आके एक बन जाते हैं। सिग्नल आप ये कह लें कि जो है ना बस सिग्नल कह लें, कलेक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट सिग्नल कह लें, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि कंपोजिट सिग्नल क्या होते हैं तो फिर बहुत सारे सिग्नल जब आएँ और वो एक हो जाएँ, आप वो तमाम सिग्नल एक हो जाएँ तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। आप ये कह लें, अब यहाँ से हमारी असल कंपोजिट सिग्नल की मतलब बात होनी शुरू हुई है कि कंपोजिट सिग्नल क्या होता है। अभी तक तो हम लोग ने देख लिया कंपोजिट सिग्नल को या कंपोजिट वीडियो केबल को या कंपोजिट वीडियो को हम लोग क्या क्या कहते हैं। एक तो हम लोग CV BSB कहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कलर ब्लैंकिंग वीडियो और एस रह गया ना, CV BS, तो सी से बन गया आपका कलर, वी से आपका बन गया वीडियो, बी से आपका ब्लैंकिंग और एस से आपका सिंक बन गया, ठीक है। CV BSB हम लोग कहते हैं कंपोजिट को। अब देखें, तीन तरह की ना हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एक वीडियो सिग्नल के अंदर, तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं ला के ये बनाऊँ एक, ये बनाऊँ दो और ये बनाऊँ तीन। एक कहलाती है आपकी सिंक, एक कहलाती है आपकी क्रोमा इन्फॉर्मेशन और एक कहलाती है आपकी ल्यूमा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सिंक, क्रोमिनेंस और ल्यूमिनेंस, इन तीनों को जब हम आपस में मिला दें और एक सिग्नल बना दें, ठीक है ना, लाइक इस तरीके से अगर मैं आप मिला के अगर मैं आपको एक सिग्नल बना दूं तो वो आपका कंपोजिट सिग्नल कहलाता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, क्रोमिनेंस और ल्यूमिनेंस क्या होती है। ल्यूमिनेंस जो हम लोग कहते हैं ना, ल्यूमिनेंस हम लोग कहते हैं ब्राइटनेस को, ठीक है।
ठीक है, ब्राइटनेस को कहते हैं हम लोग, क्रोमिनेंस हम लोग कहते हैं जी कलर को, और सिंक, सिंक मैं आपको बताऊंगा सिंक करना क्या है जी, ये सिंक्रोनाइजेशन ही है, ठीक है जी, सिंक्रोनाइजेशन। तो कंपोजिट सिग्नल क्या होता है, ऐसा सिग्नल जिसके अंदर तीन इन्फॉर्मेशनों को जब हम मिला दें और हम उसको एक सिग्नल बना दें, लाइक क्रोमिनेंस को, ल्यूमिनेंस को और सिंक्रोनाइजेशन को मिला के एक कंपोजिट सिग्नल, एक सिग्नल बना दें, उसको हम कंपोजिट सिग्नल कहते हैं। ल्यूमिनेंस क्या होता है, आपकी ब्राइटनेस के सिग्नल को हम लोग ल्यूमिनेंस कहते हैं, कलर के सिग्नल को हम लोग क्रोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है जी, सिंक्रोनाइजेशन ये आगे मैंने पूरा, देखें आपको मैं एक बात बताऊं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, आपके ना जब इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन का एक सिग्नल होता है आपके टीवी में ना, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, टेलीविज़न के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, वो उसके उसको जितनी इंटेंसिटी मिलती है ना इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, वो उतना डार्क इमेज बनाता चला जाता है। आप सिंपली अभी ये समझ लें कि एक इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि इंटेंसिटी बता रही होती है उसकी, इंटेंसिटी को उर्दू में क्या कहेंगे कि वो कितना ज़्यादा इंटेंस, कितना ज़्यादा डार्कर इमेज बनाना है, कितना ज़्यादा लाइटर बनाना है, कितनी इन्फॉर्मेशन उसने देनी है, आप ये कह लें कि कितनी इन्फॉर्मेशन उसने, इलेक्ट्रॉनिक बीम जो होती है ना वो असल में आपकी इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर ये इस तरीके का सिग्नल हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बीम है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप अपने वर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन वर्ड के हिसाब से क्या हो जाएगी कि सिग्नल कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा डार्क है, आप ये समझ लें कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा डार्क है, ये इंटेंसिटी हो गई इसकी, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अगर सिंक पल्स मैं ना ऐड कराऊँ, अगर मैं सिंक पल्स के अलावा बताऊँ, तो अगर जब कभी हमारे पास शुरू शुरू के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक बीम का कॉन्सेप्ट हमने डाला, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम के पास ये इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि कितने ज़्यादा उसने इमेज को ब्राइट करना है, कितना ज़्यादा उसने इमेज को डार्क करना है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की पल्स जब हमने ऐड करवाई ना, ताकि ये इसको ऐड कराने का मकसद क्या हुआ, ताकि ये हमारे टीवी को बता सके कि भाई करंट लाइन फिनिश हो गई है और अब आप नई लाइन में आ जाओ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वर्ड पे आप पूरी लाइन लिखते हो और इंटर मारते हो और आप नए नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो ना, सिमिलरली इसी तरीके से ये सिंक पल्स भी उसे यही बता रही होती है कि भाई यहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हो गई है और अगली नेक्स्ट लाइन पे ले आती है। जैसे आप वर्ड के ऊपर, मैंने आपको बताया ना, जब लाइन ख़त्म होती है तब आप इंटर मारते हो, आप लाइन के आगाज़ में इंटर नहीं मारते वरना आप दूसरी लाइन पे आ जाओगे। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि जब सिंक का जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये जब पूरी एक लाइन बन जाती है ना, तो यहाँ पे आने के बाद ये सिंक की ही पल्स होती है जो सिंक की ही पल्स होती है जो उसकी दूसरी लाइन में आने की इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ पे आ जाता है, फिर वो दोबारा इमेज बन जाता है, फिर वो दोबारा इस तरह से आता है, फिर यूँ जाता है, ठीक है। तो ये सिंक की ही इन्फॉर्मेशन है, अगर ये ना हो ना तो इमेज पता नहीं कहाँ कहाँ बनना शुरू हो जाए और इवन को पता ही ना चले, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम, या इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है जो स्कैन कर रही होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक बीम को पता ही ना हो कि नेक्स्ट लाइन में आना कहाँ है, तो हो सकता है वो बिल्कुल ही वर्टिकल में चली जाए, हो सकता है हॉरिजॉन्टल में बीच से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब सिंक्रोनाइजेशन का हम लोग सिंक कहते किसको हैं, सिंक कहते हैं ना कि भाई यार तुम अपने टाइमिंग, तुम ऐसी यार तुम ड्राइविंग के लिए कब जाओगे, यार मैं तो शाम 6 बजे जाऊँगा, ठीक है यार तुम एक काम करो मैंने जाना है 7 बजे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों 6:30 बजे चल लें। तो ये 6:30 बजे क्या हुआ, ये सिंक कर लिया आपने अपना टाइम, मैच कर लिया कि हाँ भाई अगर ये लाइन ख़त्म होगी तो मुझे यहाँ पे आना है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, फिर ये लाइन जब ख़त्म होगी तो फिर इस वाली लाइन स्टार्टिंग पॉइंट ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये पता ना होता, ये बल्कि ये होती उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि सिग्नल को कितना ज़्यादा ब्राइट, कितना ज़्यादा डार्क करना है और कहाँ से नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करना है, तो सिंक्रोनाइजेशन की पल्स को ऐड कराया गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये पता चल गया कि हाँ जी यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई है, यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन का आगाज़ करना, ठीक है। जैसे आपका, मैंने इससे ज़्यादा आसान एग्जांपल मैं नहीं दे सकता कि वर्ड पे आप कोई चीज़ लिख रहे हो और आपने इंटर मारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये जो इंटर मार के नेक्स्ट लाइन में आया डैट इज़ कॉल्ड सिंक पल्स, सिंक करके रखा हुआ है उसने हर लाइन में, ठीक है। इमेज को ना हम लोगों ने स्कैन लाइन्स में डिवाइड किया हुआ है, अब ये समझ लें कि इमेज को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है लाइंस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमेज का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर
क्योंकि ये जो लाइंस है ना, ये आपके इमेज का डाटा कंटेन करके रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा, मगर इसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, मगर जनरली जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो यही होता है कि स्कैन लाइन जो है ना, जो टोटल होती है वो 64 माइक्रोसेकंड लॉन्ग होती है। ठीक है ना, एक इमेज लाइन, एक स्कैन लाइन जो है ना वो 64 माइक्रोसेकंड लॉन्ग होती है। पहली 4 माइक्रोसेकंड की एक लॉन्ग पल्स आती है, सही ना, जिसको हम लोग मेनली 0 वोल्ट पे सेट करते हैं। मेनली हम लोग 0 वोल्ट्स के ऊपर सेट करते हैं। पहली 4 माइक्रोसेकंड की एक पल्स आती है जिसको हम लोग 0 वोल्ट्स के ऊपर हम लोग सेट करते हैं। वो क्यों सेट करते हैं? ताकि हम टीवी को ये बता सकें कि नई लाइन जो है ना यहाँ से आएगी। ठीक है, ये हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए कर रहे थे, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। इसी हम लोग कहते हैं ना, अभी आपने ये देख रहे हैं पीक टू पीक एक चीज़ लिखी हुई है, ये पीक टू पीक क्या है? 1 वोल्ट पीक टू पीक है। ठीक है, ये 1 वोल्ट पीक टू पीक। जी, 1 वोल्ट पीक टू पीक से आप ये समझ लें कि 1 वोल्ट पीक टू पीक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। एक कहलाता है जी 0 से लेके 0.3 तक, और 0.3 से लेके 1 तक। 0 से लेके 0.3 तक ये हमारा सिंक पोर्शन कहलाता है, और 0.3 से लेके 1 वोल्ट तक ये हमारा वीडियो का पोर्शन कहलाता है। ठीक है, 0.3 हमारे ब्लैक को रिप्रेजेंट करती है और 1 वोल्ट हमारे वाइटनेस को यानी ब्राइटनेस को शो करती है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो फिर हमारे पास 1 वोल्ट पीक टू पीक बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 64 माइक्रोसेकंड लॉन्ग जो है ना हमारे पास इमेज स्कैन लाइन होती है, जिसके अंदर से पहली 4 माइक्रोसेकंड जो है ना एक सिंक पल्स जनरेट होती है जो कि 0 वोल्ट पे होती है। वो ये बता रही होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम को कि भाई ये नई लाइन यहाँ से शुरू होनी है। ठीक है, वो जगह बताती है। अगर ये सिंक की सिंक इन्फॉर्मेशन ना हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक बीम को पता ही ना चले कि उसने इमेज शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 4 माइक्रोसेकंड का जब ये एक पल्स जनरेट हो जाती है, तो फिर ये 8 माइक्रोसेकंड का एक और डिले लेती है, जिसको अभी आप देखेंगे हम बैक पोर्च और फ्रंट पोर्च कहते हैं। ठीक है, उस बैक और फ्रंट पोर्च का कॉन्सेप्ट क्या था वो अभी हम थोड़ी सी आगे देखेंगे, जब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, जब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप ये समझ लें कि एक माइक्रो सेकेंड का वो मज़ीद एक पॉज लेती है, जिसमें हमारा वीडियो सिग्नल आ रहा होता है। ठीक है, जब वो आ जाता है, इस 8 सेकंड के पॉज के बाद ही हमारा वीडियो सिग्नल स्टार्ट होता है। अब वो हमारी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हमारा वीडियो सिग्नल, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर बिल्कुल नहीं होगी, 0 इंटेंसिटी होगी, तो 0.3 वोल्ट्स होगा, वो ब्लैक वो डार्कनेस को शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मींस वैसे वैसे आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे सिग्नल ब्राइटनेस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लाइक 0.3 था तो बिल्कुल ब्लैक था, 0.6 था तो ब्लैक से थोड़ा सा आगे चला जाएगा ब्राइटनेस की जानब, हल्का हल्का ब्राइटनेस आ जाएगा। और अगर 1 वोल्ट हो गई तो इसका मतलब है कंप्लीट ग्लेयर पिक्चर आ गया, कंप्लीट वाइट बिल्कुल वाइट वॉश हो जाएगा, या आपने कंप्लीटली ब्राइट पिक्चर आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये आप ये देख सकते हैं कि जो है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दो तरह की हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन, सिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर सिंक का सिग्नल ना होता तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक बीम को पता ही ना होता कि किस तरीके से जो है ना किधर से हमारे स्टार्ट होगी, मींस आपकी जो आपका टीवी की जो वो थी ना इलेक्ट्रॉनिक बीम, जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम था, उसके टीवी को पता ही ना चले कि जो है ना कि हमने मैंने इमेज स्टार्ट कहाँ से करना है। अब ये देखें, लाइन नंबर 1 ये स्टार्ट हो रही है, ये पूरी गई लाइन नंबर 1, यहाँ पे जब ख़त्म हुई है ना, तो इसका मतलब पहले लाइन फिनिश हो गई है। दूसरी लाइन देखें, ये जो चीज़ है ना, ये जो वापस रिवर्स आ रहा है, ये देखें, इस ये जब वापस आ रहा होता है ना इमेज बना के, एक लाइन बना के जब ये वापस आ रहा होता है, इस दौरान ये कुछ नहीं करता। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लैंकिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम ब्लैंकिंग कहते हैं। और ये जो डॉट देख रहे हैं आप, ये वाला शायद आपको नज़र, एक मिनट, मैं मुझे नहीं मालूम कि नज़र आ रहा नहीं आ रहा, ये डॉट देख रहे हैं, ये वाला डॉट, ये जो है ना आप कह लें ये वाला डॉट, ये वाला जो डॉट है ना, ये डॉट क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम है। ये इस तरह से स्कैन करती है, इस तरह से स्कैन करती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है।
जब ये यहाँ तक एक लाइन बना लेता है यहाँ तक, और जब ये वापस आ रहा होता है ना, तो इस दौरान ये कुछ नहीं करता, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लैंकिंग, ब्लैंक होता है ये सिग्नल, कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है। जब ये यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से आने के बाद यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? वो सिंक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अगर सिंक सिग्नल ना हो ना, तो फिर इसको पता ही ना हो ये यहाँ के बाद यहाँ चला जाए, यहाँ से शुरू कर ले, पता नहीं है इसको कहाँ, बस इलेक्ट्रॉनिक बीम को जो जहाँ जगह मिले वो वहाँ पे कर ले, ठीक है। अब देखें, दो तरह की हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन होती है। एक सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल, और एक कहलाती है जी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? अगर लाइन ख़त्म हुई पहली वाली, उसको दूसरी लाइन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग, या हॉरिजॉन्टल आप ये कह लेंगे हॉरिजॉन्टल रिट्रेस कह लें आप इसे, ठीक है। ये देखें, ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका हल्का सा डॉटेड पोर्शन है आ रहा है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है, या हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग है। यहाँ से एक लाइन बनी, ये वापस आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है। यहाँ से गई, दूसरी लाइन ख़त्म हुई, ये फिर हॉरिजॉन्टल रिट्रेस आ गए। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी पिक्चर बना लेगा, तो इसको एक नया इमेज बनाने को, इसका मतलब इसने ये पूरा एक इमेज इसने बना लिया, ठीक है। जब इसने एक इमेज कंप्लीट कर लेगा, फिर ये जाहिर बात है प्रोसीड करेगा सेकंड इमेज के लिए। सपोज़ ये पहला वाला इमेज बन गया, अब मुझे जाना है दूसरे वाले पे, ठीक है। तो दूसरे वाले इमेज के लिए मुझे कौन बताएगा कि भाई अब दूसरे वाले इमेज पे जाना है, क्योंकि लाइन तो चेंज हो नहीं रही, अब तो इमेज चेंज हो रहा है। तो जब कभी भी मुझे एक इमेज की कंप्लीशन के बाद कोई दूसरा इमेज शुरू करना होगा, वो चीज़ मेरी वर्टिकल रिट्रेस बताती है। लाइक ये देखें, ये जा रहा है, इमेज ख़त्म करने के बाद ये एक डॉटेड सिग्नल जा रहा है ना, ये ले जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप वर्ड का एक पेज कंप्लीट कर लेते हैं, और आप कोई दूसरी फाइल बनाने के लिए आप फाइल के अंदर न्यू में जाते हैं ना, तो इसी तरीके से आपको ये पता होता है, एक नया डॉक्यूमेंट जब आप खोलते हैं, इसी तरीके से एक नई पिक्चर के लिए वो कौन बताता है आपको? उधर तो आपको फाइल का बटन बता रहा होता है, मगर इधर आपको वर्टिकल रिट्रेस बता रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस या हॉरिजॉन्टल सिंक किसे कहते हैं? जब आपकी एक लाइन से दूसरी लाइन में उसे जंप करनी हो, और लाइन टू के लिए उसको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए हो, वो चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग, या हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिंक जिसे आप कह रहे हैं, वर्टिकल रिट्रेस, वर्टिकल सिंक क्या चीज़ कहलाती है? जब आपका एक इमेज कंप्लीट हो जाए और आपने दूसरे इमेज की स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना हो, दैट रिट्रेस इज कॉल्ड वर्टिकल रिट्रेस, ठीक है। वीडियो सिग्नल ये देखें जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये देख रहे हैं, ये सिंक का सिग्नल है, ये 4 माइक्रोसेकंड का होता है, ये सिंक लेवल है, 0 वोल्टेज से शुरू हो रहा होता है। ये आगे जाते हैं, ये 8 माइक्रोसेकंड का आ रहा होता है गैप एक, मैंने आपको बताया था। ये किस चीज़ का होता है? ये कलर बस्ट का होता है, ठीक है। कलर बस्ट ये देखें, ये बैक पोर्च कहलाता है और ये फ्रंट पोर्च कहलाता है, ठीक है। और ये देखें डिस्प्लेड वीडियो का सिग्नल, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहता हूँ ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 0.3 वोल्ट्स है, और ये अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 वोल्ट्स है, ठीक है। तो इसके दरमियान ये देख रहे हैं, ये कभी ये चला पॉइंट, ये आ गया आपके पास, इस तरह से कंप्लीट वीडियो बन गई। अब ये बैक पोर्च क्या होता है? बैक पोर्च ये चीज़ होती है कि आपके वीडियो सिग्नल के शुरू होने से पहले और आपके सिंक के सिग्नल के बाद का जो दरमियान का जो डिले होता है ना, उसको हम बैक पोर्च कहते हैं। बैक पोर्च क्या होता है? सिंक का सिग्नल जब ख़त्म हो जाए और वीडियो का सिग्नल जब स्टार्ट होने वाला हो, उन दोनों के दरमियान का जो ड्यूरेशन होता है, उसको हम बैक पोर्च कहते हैं। फ्रंट पोर्च क्या होता है? जब आपका वीडियो सिग्नल ख़त्म हो जाए और आपके पास सिंक का सिग्नल स्टार्ट होने वाला हो, दैट इंटरवल इज कॉल्ड फ्रंट पोर्च, ठीक है। इन दोनों के दरमियान, बैक पोर्च और फ्रंट पोर्च के दरमियान आपका वीडियो सिग्नल होता है, ठीक है। ये ब्लैक लेवल, वाइट लेवल आपको पता है, वाइट लेवल आपका क्या है जी? 1 वोल्ट है, ठीक है। और ये वाला आपका 0.3 वोल्ट है, ये आपका 0 वोल्ट है। 0 से लेके 0.3 तक आपके पास सिंक का सिग्नल होता है, और ये 0.3 से लेके 1 वोल्ट तक आपके पास, ये 1 है, इसको 3 ना समझ लेगा आप, ठीक है। वो 0.3 से लेके 1 वोल्ट तक आपके पास वीडियो सिग्नल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्रंट पोर्च बैक पोर्च पता चल गया, वर्टिकल सिंक सही है, समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं हुआ। सीरीज ऑफ द लॉन्ग पल्सेस होती हैं, इंडिकेटिंग कर रही होती हैं कि
कि नई फील्ड कब स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इनके दरमियान एक और आप एक टर्म सुनेंगे, ये तो खैर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँगा, सिंक सेपरेटर होता है। वो एक तरह का सर्किट होता है जो डिटेक्ट करता है आपके सिंक वोल्टेज को और वो सॉर्ट आउट करके बता रहा होता है कि भाई अब ये पल्स हॉरिजॉन्टल में भेजनी है मुझे या वर्टिकल में भेजनी है। एक सिंक सेपरेटर होता है, ठीक है। एक आपके टीवी के अंदर एक सिंक सेपरेटर लगा हुआ होता है जो वो ये आइडेंटिफाई करके ये बता रहा होता है, वो एक सर्किटरी होती है जो आइडेंटिफाई करके बताती है कि नहीं भाई अभी लाइन्स, अभी सिर्फ लाइन्स ही चल रही हैं तो मुझे हॉरिजॉन्टल को ही भेजना है, मुझे अभी वर्टिकल सिंक नहीं भेजना, ठीक है। जैसे ही इमेज ख़त्म हो जाता है और जब उसने नई इमेज पर जाना होता है तो फिर यही सिंक सेपरेटर बताता है उसको कि भाई अब तूने वर्टिकल सिंक चाहिए, तुझे अब हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिंक समझ में आ गया जब हमने स्कैन लाइन से एक लाइन से दूसरी लाइन, मतलब दूसरी लाइन में जाना होता है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना होता है, तो फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर देते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल है ब्लैंकिंग सिग्नल, ब्लैंकिंग लेवल भी समझ में आ गया, बिगिनिंग ऑफ द वीडियो सिग्नल इन्फॉर्मेशन इन द सिग्नल वेव फॉर्म, आप कह रहे हैं इसे कि जब आपकी एक लाइन की समझने स्कैनिंग ख़त्म होती है और जब आप दूसरे लाइन के लिए वापस आ रहे होते हो, दैट पीरियड इज़ कॉल्ड ब्लैंकिंग लेवल और ब्लैंकिंग सिग्नल, ठीक है। और मैं इसके साथ ही एक आपको सिंक्रोनाइजेशन का, अब ये मैं देने लगा हूँ थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको और भी ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा। जो आपका स्क्रीन है ना, जो आपकी स्क्रीन है जिस पे आपका इमेज बनता है, उसकी ना मींस डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब उसकी डिफरेंट इंटेंसिटीज से मुराद है उसके वोल्टेजेस ब्राइटनेस और डार्कनेस के अलग अलग होंगी, उसकी इंटेंसिटीज़ अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम स्वीप करती जाएगी ना स्क्रीन के ऊपर, तो इंटेंसिटी जो है वो आप ये कह लें कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम स्वीप करेगी ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैसे वैसे इंटेंसिटी वो उस पोजीशन पे आती जाएगी बीम के जो के वोल्टेज लेवल के अगेंस्ट होगी। आप ये समझ लें कि एक वोल्टेज लेवल होता है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम को बता रहा होता है कि इंटेंसिटी कितनी है, सिंपल इज़ दैट, सही है। कि आपकी इंटेंसिटी कैसे पता चलती है, वोल्टेज लेवल से पता चलती है। वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा तो वो ब्राइटनेस की तरफ ज़्यादा होगी, अगर वोल्टेज लेवल कम होगा तो वो ब्लैकनेस की लेवल की तरफ होगी, मीन्स डार्कनेस की लेवल की तरफ होगी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि अगर सिंक का कॉन्सेप्ट ना हम डालते तो हमारे पास पता ही नहीं होता कि जो है ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये बात पता ही नहीं होती कि इंटेंसिटी रखनी कितनी है, ठीक है। तो हम लोग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे की, एक सिंक पल्स को हमने सेंड किया एक हर लाइन के शुरू में ताकि वो टीवी को बता सके करंट लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई है और अब आपने मूव कर जाए सेकंड लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि इंटर की का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि कीबोर्ड से आप इंटर की प्रेस करते हो जब आप कोई टेक्स्ट वेक्स लिख रहे होते हो कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो टीवी को भी उसी तरीके से पता होना चाहिए कि मेरा नया इमेज कहाँ से शुरू होगा, मुझे नया इमेज कहाँ से बनाना है, सही है ना। ये जो चीज़ होती है ना, ये काम जो है ना एक स्पेशल सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न के तहत हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे लाइक न्यू डॉक्यूमेंट, आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हो, एक डॉक्यूमेंट पर काम कंप्लीट कर लिया आपने, आप नया डॉक्यूमेंट खोल रहे हो, ठीक है। तो अब होता क्या था कि एक बल्कि इमेज की फ्लिकरिंग वगैरह की भी मेरे नहीं ख्याल की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, सही है। अच्छा, मैंने आपको भी लेक्चर के मेरे ख्याल है शुरू में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ये आपके 50 इमेजेस बन रहे होते हैं ना, लाइक आपके पास ये जो हाफ इमेजेस पहले बनता है फिर आप बनता है, ये इतनी स्पीड से बन रहे होते हैं कि आपकी आँख जो है ना उस डिफरेंस को नहीं देख पाती, ठीक है। तो एक ये तो बस एक जनरल सी बात थी, ठीक है। मोस्ट अगर हम मोस्टली एनालॉग टेलीविजन्स की बात करें ना तो वो इंटरलेस सिस्टम को यूज़ करते हैं और इंटरलेस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं और आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो लाइक आपके लैपटॉप्स वगैरह पीडीएस वगैरह हैं वो आपकी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कलर कंपैटिबिलिटी कहाँ से आई, जब ब्लैक एंड वाइट की बात हुई थी ना तो ये जो कलर बस्ट अभी मैंने आपको दिखाया हुआ है ना, ये कलर बस्ट ये नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सही है। यहाँ पे बस सिंक पल्स आता था, ये वेट करता था और फिर उसके बाद इमेज आता था और इमेज ऐसे ही चला जाता था, ये डैट इज़ कॉल्ड द ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मगर ये अभी तो कलर बस्ट में आया हुआ है ना, तो ये जो इमेज है ये तो आपके पास कलर सिग्नल है, ठीक है। अब कंपोजिट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, कुछ याद है किसी को, इसी लेक्चर की बात है यार,
सही है, एक हमने की थी सी, एक हमने की थी वी, एक हमने की थी बी और एक हमने की थी एस। कलर की अभी हम बात करने लगे हैं, वीडियो समझ में आ गया आपके पास, ब्लैंकिंग, सिंक, ठीक है, सिंक क्यों यूज़ होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्यों यूज़ करते हैं, लाइन बाय लाइन को अगर हमने चेंज करके नई पोजीशन पे जानी है तो हॉरिजॉन्टल सिंक, अगर हमने कोई इमेज कंप्लीट हो जाए और नई इमेज पे जाना हो तो वर्टिकल सिंक, और सिंक हमें क्या बताता है कि हमारे कलर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये बात बता रहा होता है कि इंटेंसिटी कितनी रखनी है अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज, ठीक है। उसके अलावा सिंक ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि नई पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। फिर ब्लैंकिंग पीरियड क्या होता है, जब आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है और वो जब एक कंप्लीट होने के बाद राइट से लेफ्ट की जानब, क्योंकि लेफ्ट से लाइट की तरफ इमेज बन रहा है ना, लेफ्ट से लाइट की तरफ आपकी क्या हुई, एक लाइन कंप्लीट हुई और जब ये वापस राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, जो कि मैंने डॉटेड में शो किया था पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आप लोग जाएँ तो, सॉरी पिछले लेक्चर के अंदर पिछले स्लाइड पर अगर हम जाएँ तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये ब्लैंकिंग पीरियड है, क्योंकि इस दौरान ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा गंदगी ज़्यादा हो गई, मैं ज़रा साफ़ कर लूँ इसको, ठीक है। तो अब देखें कलर बस का कॉन्सेप्ट, जब हमें शुरू शुरू के अंदर जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन हमारे पास आया ब्लैक एंड वाइट, तो उसके अंदर सिंपली कलर बस नहीं था, ठीक है, तो हम लोगों को एक कंपैटिबिलिटी भी तो रिक्वायर्ड हुई, ठीक है। जब शुरू शुरू के अंदर जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार मीन्स लोगों ने ये चीज़ सोची कि कलर इमेज हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब उन्होंने कलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने उनको कंपैटिबिलिटी भी तो रिक्वायर्ड थी कि भाई हमारे इतने ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन मौजूद हैं कि अगर कलर उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी ना हुई तो फिर मसला हो जाएगा, फिर तो लिमिटेड यूज़र्स हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो आप ये कह लें कि जब हम लोग, आपने RGB का कॉन्सेप्ट आपको याद है, जो हम लोग ने कलर फिल्टरिंग का, जब हम लोग कलर फिल्टरिंग की बात कर रहे थे, इसके अंदर भी वही है। हम लोगों ने क्या किया कि मतलब लोगों ने ये क्या किया, हम लोगों से अब मेरे ख्याल आदत लग गई, सही है ना। तो लोगों ने क्या काम किया कि उन्होंने RGB को जनरेट किया, अच्छा RGB को जब हम मिक्स करते थे तो हमारे पास उस कलर, उस किस्म के कलर्स आते थे जो कि हमारी ह्यूमन आई इजीली डिटेक्ट कर सकती थी, ठीक है। मोस्टली वो कलर जनरेट होते थे जो हमारी आँख बासानी देख सकती थी, ठीक है। तो ये जो वीडियो सिग्नल थे, इन्होंने क्या काम किया, इन तीन कलर कंपोनेंट की इंटेंसिटीज़ को जो है ना समअप कर दिया और एक्चुअली सेंड भी कर दिया, जो कि ब्लैक एंड वाइट इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन के अंदर। सिंपली क्या काम किया गया कि जब हम लोग ने कलर को सोचा कि कलर को ऐड कराया जाए, तो फिर कलर एक हम लोग ने RGB के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। RGB के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया कि जो हमारी इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन थी, उसी के अंदर हम लोगों ने कलर का सिग्नल भी उठा के डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कलर की इंफॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक कलर डिफरेंस और एक RGB। अगर मैं सिंपली RGB रेड ग्रीन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं कलर डिफरेंस से मैं एक्सट्रैक्ट करूँ तो फिर भी मैं कर सकता हूँ। कलर एक्सट्रैक्ट से मैं कैसे कर सकता हूँ, लाइक R-G और दूसरी हो जाएगी B-G, ठीक है। अब मैं R-G की बात करता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दो कलर जो है ना कंपोनेंट्स को एक ही कैरियर के ऊपर भेज सकूँ, क्योंकि मेरे पास कैरियर तो एक है ना। हाँ जी बिल्कुल मौजूद है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि PAL और NTSC में क्या डिफरेंस था, लोगों ने NTSC और PAL के मुतालिक क्या बोला था, ठीक है। तो सवाल क्या था जी, सवाल ये था कि क्या ऐसी पॉसिबल थी कि जब हमने कलर डिफरेंस की बात की तो फिर हमारे पास एक ही कैरियर के ऊपर हम लोग क्या दो कलर डिफरेंस को भेज सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ, ये जो कलर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है ना, R-G, Red-Green और Blue-Green, इन दोनों के डिफरेंस से भी हम लोग जो है ना RGB के वो तमाम कलर बना सकते हैं। मैं क्यों तीन कलर डालूं, मैं क्यों ना दो डिफरेंस डाल लूं और एक वीडियो सिग्नल है मेरे पास, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैंने कहा ना कि तीन वीडियो सिग्नल में क्या, मेरे पास एक RGB है, एक मेरे पास B-G है और एक मेरे पास है जी R-G, ये कलर फॉर्मेशन मैंने रखा हुआ है, ठीक है।
अगर मुझे RGB को मिला के कोई कलर बनाना हो तो भी मैं मिला बना सकता हूँ, अगर मुझे इन दोनों के डिफरेंस से कोई कलर बनाना हो तो मैं फिर भी बना सकता हूँ, मैं इन दोनों की भी डिफरेंस से बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इन दोनों को मिला के भी कोई एक नया कलर बना सकता हूँ जो कि हमारी ह्यूमन आई के लिए देखने के देख सके वो। ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या दो कलर कंपोनेंट एक ही कैरियर के ऊपर जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ जी बिल्कुल है, ये जा सकते हैं अगर हम लोग एक कैरियर जनरेट करें, ठीक है, उसके दो वर्जन्स बना लें। एक ही कैरियर है मगर उसके दो वर्जन हैं, सही है। पहले वाले कैरियर के यानी पहले वाले वर्जन के ऊपर हम लोग R-G को भेज दें, और उस फिर फेज़ शिफ्ट के साथ मीन्स 90 डिग्री के फेज़ शिफ्ट के साथ हम दूसरा भेज दें, ठीक है जी। इसके अंदर इसीलिए हम लोग कहते हैं पहल के अंदर हम लोगों ने फेज़ शिफ्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, कि हम लोगों ने कलर कैसे किया था, फेज़ फेज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था हमने। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो है हम लोग क्या दो वर्जन बना के, जी बिल्कुल, हम लोग कलर डिफरेंस के ऊपर कलर डिफरेंस को हम लोग दो मुख्त एक ही कैरियर के ऊपर जो है ना हम लोग एक ही कैरियर के ऊपर हम लोग जो है ना क्या कर रहे होंगे, दो मुख्तलिफ कलर डिफरेंस को फेज़ शिफ्ट के साथ हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबिलिटी कि एक दफ़ा जब हमने उन दोनों कलर कंपोनेंट को कंबाइन कर दिया तो क्या हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आने लगा है कि टीवी के पास जो है ना एक ऑसिलेटर होता है जो कि बिल्कुल सिंक हुआ हुआ होता है सिग्नल जनरेटर वाले ऑसिलेटर के साथ। टीवी का एक अपना ऑसिलेटर होता है, सिग्नल जनरेटर एक चीज़ होती है जो सिग्नल को जनरेट कर रही होती है, उसके पास भी एक ऑसिलेटर होता है, ये दोनों सिंक हुए हुए होते हैं, ठीक है। जब हम लोग कलर बस्ट को ऐड करवाते हैं ना किसी भी वीडियो सिग्नल के अंदर जब हम लोग किसी भी कलर बस्ट को ऐड करवाते हैं, कलर बस्ट क्या होता है, इसके अंदर हमारे RGB सारे कलर मौजूद हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो यही वो कलर बस्ट, ये जो कलर बस्ट है ना जिसको हमने ऐड कराया है अभी अपने वीडियो सिग्नल के अंदर, यही चीज़ उसको पॉसिबल बनाती है ऑसिलेटर को सिंक करने के लिए, ठीक है। वो जो अब मैंने आपको 8 माइक्रोसेकंड की कहानी बताई थी ना कि 8 माइक्रोसेकंड के अंदर जो डिले आता है इलेक्ट्रॉनिक बीम, वो इस जब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो ये जो जब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ जा रहा होता है ना तो फिर वो इस कलर बस्ट से होता हुआ जाता है, ठीक है। क्यों, मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ पहली लाइन को ख़त्म करता है, जब दूसरी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा होता है तब वो ब्लैंकिंग पीरियड होता है, उसके दरमियान वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो कलर सिग्नल के अंदर 10 क्लॉक साइकिल वो लेता है या सिंपल कुछ क्लॉक साइकिल्स वो लेता है, मेनली वैसे रेफर हम लोग जनरली 10 ही कर रहे होते हैं, कुछ क्लॉक साइकिल्स वो लेता है, आप यहाँ पे 10 भी कह सकते हैं मगर हो सकता है किसी के स्टैंडर्ड डिफरेंट हो, मेजॉरिटी में 10 ही क्लॉक साइकिल्स होती हैं, ठीक है, तो मैं 10 ही क्लॉक साइकिल्स की बात करूँगा, वरना आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यू क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, फ्यू क्लॉक साइकिल्स वो लेता है कलर कैरियर के लिए सेंड करने के लिए, ठीक है। कलर सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो फिर वो 10 क्लॉक साइकिल लेता है या वो कुछ क्लॉक साइकिल लेता है ताकि वो अपने कलर कैरियर को सेंड कर सके, जिसको हम कलर बस्ट कहते हैं। अब जब वो कलर बस सेंड होता है ना तो फिर टीवी का ऑसिलेटर सिंक्रोनाइज होना चाहिए सिग्नल जनरेटर के ऑसिलेटर के साथ, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा कि जो करेक्ट कलर है ना वो जो करेक्ट कलर है ना वो जो है ना जब फेस चेंज होगा ना स्क्रीन पे, तो जो फेसेस होंगे या कोई भी जो इमेज आप देख रहे होंगे ना वो कलर करेक्ट नहीं आएंगे, वो अजीब अजीब से कलर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ऑसिलेटर सिग्नल जनरेटर का और टीवी के ऑसिलेटर, ये दोनों ऑसिलेटर्स अगर आपस में सिंक ना हो प्रॉपर तरीके से, जब आपका कलर बस्ट का सिग्नल जाता है तो क्या होगा कि वो जो प्रॉपर कलर करेक्शन जो है ना वो इमेज पे नहीं आएगी, लोगों को ग्रीन फेसेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक
क्यों? क्योंकि ग्रीन इसके अंदर आप देखें ज़्यादा डला हुआ होता है, क्यों? क्योंकि आपकी ह्यूमन आई, मैंने आपको बताया था इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है? तो ग्रीनिश सी पिक्चर नजर आएगी। यही वजह थी जो हम लोग NTSC को लोग कहते हैं, NTSC का मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी, इसका लोग मजाक उड़ाते थे और वो ये कहते थे कि नेवर द सेम कलर। वो इसी वजह से कहते थे, क्यों? क्योंकि NTSC के अंदर आप, NTSC के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि NTSC के अंदर जो है ना, लोग ये कहते थे कि नेवर द सेम कलर, क्यों? क्योंकि उसके दरमियान कभी उस NTSC के अंदर ना कलर हर दफ़ा चेंज हो रहे होते थे। वो चेंज क्यों हो रहे होते थे, उसकी दो वजूहात हैं, ठीक है? एक तो ये कि जो NTSC ना वो ख़ुद से कुछ नहीं करता था, वो कलर को कैसे मेंटेन करता था, NTSC डिपेंडेंट होता था TV के ऊपर। TV के अंदर एक ऑप्शन होता था टिंट कंट्रोल का, TINT और कंट्रोल, ठीक है? और ये टिंट कंट्रोल का काम क्या होता था, जब कभी भी कलर एरर आ जाए, सही ना, जब फेज़ ऑफ द वीडियो सिग्नल जो है ना वो कुछ चेंज हुआ, जो भी आपकी वीडियो सिग्नल का फेज़ होता था ना, जब कभी भी वो चेंज होता था ना सोर्स और रिसीवर के दरमियान, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उस फेज़ एरर को ख़त्म करने के लिए टिंट कंट्रोल जो है ना NTSC टेलीविज़न सेट्स के अंदर मौजूद होता था, एक ऑप्शन होता था टिंट कंट्रोल का, ठीक है? जो कि हमारे यूज़र्स को मैन्युअली अलाउ करता था कि वो एडजस्ट कर लें फेज़ रिलेशनशिप, कि किस फेज़ से आप भेजना चाह रहे हैं और आप जो है ना उसको सिंक कर लें, ठीक है? बिटवीन द कलर इन्फॉर्मेशन इन द वीडियो एंड द रेफरेंस फॉर डिकोडिंग, सही है ना, कि मतलब कलर इन्फॉर्मेशन को और डिकोडिंग कलर इन्फॉर्मेशन को, मतलब जहाँ पे इनकोड किया और जो डिकोड कर रहे हैं आप, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना सिंक होनी चाहिए, जिस चीज़ को हम कलर बस्ट कहते हैं। तभी इसी सूरत में जो है ना आप ये कह लें कि करेक्ट कलर जो है ना वो डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है? टिंट कंट्रोल क्या होता था, ये हमारे NTSC टेलीविज़न के अंदर मौजूद होता था। जब कभी भी हमारा कलर एरर आ जाता था, वो कैसे आता था, जब हमारे वीडियो सिग्नल का फेज़ जो है ना, जब कभी भी हमारे वीडियो सिग्नल का जो फेज़ होता था वो चेंज हो जाए, वो किन के दरमियान चेंज हो जाए, सोर्स और रिसीवर के दरमियान, ठीक है? तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए NTSC टेलीविज़न सेट्स के अंदर एक सर्किटरी मौजूद थी, टिंट कंट्रोल उसे हम कहते थे, ठीक है? ये हमारे यूज़र्स को मैन्युअली आप ये कर लें कि मैन्युअली अलाउ करता था कि भाई आप अपनी फेज़ रिलेशनशिप को एडजस्ट कर लें, सही है ना, कलर इन्फॉर्मेशन जो कि इनकोड हुई है और जो डिकोड हो रही है रिसीवर के एंड में, इन दोनों के दरमियान, इस चीज़ को हम लोग कहते थे कलर बस्ट। और कलर बस्ट तो ये जो कलर इन्फॉर्मेशन है ना, इस चीज़ को हम लोग कहते थे कलर बस्ट। और जब अगर ये करेक्ट कर लें आप मैन्युअली, तो इसका मतलब है फिर कलर सही से डिस्प्ले होते थे। इसीलिए हम लोग NTSC को हम लोग कहते थे नॉट द नेवर द सेम कलर, ठीक है जी? पैल, जब पैल इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर पैल ने क्या काम किया, पैल ये काम खुद करता था, वो जो है ना फेज़, ये जो ऑसिलेशन की सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये जो ऑसिलेटर्स हैं इनकी सिंक्रोनाइजेशन वो खुद करता था। तभी वो कहते थे कि पैल जो है ना एट लास्ट करके कुछ था, कि मेरे ख्याल है में होता था कि मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। इसको भी हम कुछ कहते थे कि प्लीज़ एट लास्ट, ये होता था परफेक्ट एट लास्ट, हाँ मुझे याद आया कि परफेक्ट एट लास्ट कहते थे इसको हम। जब हमारे पास पैल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसको हम लोगों ने कहा परफेक्ट एट लास्ट, क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमारे कलर स्टेबिलिटी को और इंटेंसिटी को जो है ना खुद से मेंटेन करता था, कलर कोडिंग को जो है ना वो फेज शिफ्ट के ज़रिए जो है ना उसको मेंटेन करता था, और कलर एरर जो है ना वो नहीं होता था एज़ कम्पेयर विद दी NTSC, क्यों? क्योंकि इसने फेज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया ना, फेज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि जो है ना कि उसने फिर एक ही सिग्नल के, एक ही कैरियर सिग्नल के ऊपर जो है ना, ये देखें ये जो कैरियर, इसने क्या काम किया, अपने ल्यूमिनेंस सिग्नल को इस कलर बस से पार्स किया और ये ओवर सुपरसीड हो गया। ये जो आपका कलर सिग्नल है ना, ये क्रोमिनेंस का सिग्नल है,
ये क्रोमिनेंस का सिग्नल आपके ल्यूमिनेंस के सिग्नल के ऊपर सुपरसीड हुआ, जिसकी वजह से आपका ल्यूमिनेंस और क्रोमिनेंस सिग्नल दोनों चीज़ें वाजे हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई अभी आप लोग मेरे ख्याल है सब सोच रहे होंगे कि ये ऑसिलेटर होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेरे ख्याल है आप लोग कहीं इस पर तो कंफ्यूज नहीं हो रही, वहाँ पर 90 डिग्री की बात हो रही थी फेज शिफ्ट। देखें, जब कभी भी हम कलर डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो वो 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ भेजेगा, मगर जब हम ऑसिलेटर टू ऑसिलेटर फेज शिफ्ट की बात करेंगे तो वो 180 डिग्री पे भेजता है, मतलब उसके दरमियान फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आखिरी मेरे ख्याल है हमारे लेक्चर की बिल्कुल बिल्कुल हम अपने लेक्चर के एंड पर हैं। ये वीडियो सिग्नल समझाना था थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रंट पॉर्च, बैक पॉर्च, डिस्प्ले, में थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ में भी चला गया हूँ। ठीक है, मुझे इतना नहीं जाना चाहिए था, मगर मेरे ख्याल है आगे आप लोगों को फिर आसानी भी होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ ना समझ आए, मैंने आपको पहले भी कहा है, पूछना हो आप बिल्कुल फ्री टू आस्क। ठीक है जी, और HD टेलीविज़न वगैरह तो इतने ख़ास नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इसकी उसकी ज़रूरत है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब एनालॉग से डिजिटल की ट्रांजिशन हो गई तो, बल्कि मेरे ख्याल है उसको रहने दें, आप आगे चलते हैं। और हाँ, ऑसिलेटर्स के बारे में मैं एक हल्का सा बस एक दो लाइनें बता दूं, ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि आपकी रिपीटेशन प्रोड्यूस कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की ऑसिलेशन के लिए ना एक रिपीटेशन ये सर्किट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑसिलेटर्स। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि प्रोड्यूस करते हैं रिपीटिशंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के। जैसे मिसाल के तौर पर साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, सही है ना, ये क्या करेंगे, मल्टीपल साइन वेव ही जनरेट करते रहेंगे, मल्टीपल स्क्वायर वेव जनरेट करते रहेंगे। तो ऑसिलेटर्स मेनली जो है ना आपके इन्वर्टर्स के कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होता है, जो DC टू AC कर रहा होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, मिसाल के तौर पर रेडियोस, TV ट्रांसमीटर्स, क्लॉक सिग्नल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल्स कौन से हैं जो आपके कंप्यूटर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो मेन टाइप्स होती हैं ऑसिलेटर्स की, लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है। लीनियर वाले को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं और नॉन लीनियर वाले को हम कहते हैं जी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है जी, और अच्छा NTSC से एक और एक एडवांस्ड आ गया है अब, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल, मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ कि NTSC की जगह पे अब आ गया है ATSC। NTSC में था नेशनल टेलीविज़न, इसमें ATSC में एडवांस टेलीविज़न। इसी तरीके से जो है ना PAL को भी रिप्लेस कर दिया यूरोप के एक और स्टैंडर्ड ने, जिसको हम कहते हैं DVB, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो वो एनालॉग स्टैंडर्ड था, NTSC ATSC एनालॉग और डिजिटल दोनों को डील करता है। ये आपका जो PAL है वो भी जो है ना एनालॉग था, ये DVB जो है ना डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग का नाम से ही मौजूद है कि भाई अब एनालॉग की तो बात ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिजिटल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको ना अगले किसी लेक्चर में ना कोशिश ये करूँगा कि टाइप्स ऑफ वीडियो सिग्नल भी मैं बताऊँ, जिसके अंदर आपका RGB कंपोनेंट और अच्छा एक चीज़ होती कंपोजिट, आपको पता चल गया। जब कभी भी आपकी ल्यूमिनेंस, क्रोमिनेंस और सिंक की इंफॉर्मेशन एक साथ आपकी ट्रैवल करेगी, मतलब ये तीनों मिल के एक बन जाएँ, उसको हम कंपोजिट कहते हैं। और 1 वोल्ट पीक टू पीक क्या होता है, 1 वोल्ट पीक टू पीक आपका होता है 0 से लेके 1 वोल्ट 0 से लेके 0.3, उसके हम दो चंक्स कर देते हैं, उसको हम दो हिस्सों में चॉप करते हैं, 0 से लेके 0.3 तक, ये हमारा सिंक का होता है। सिंक दो तरह की होती हैं, सिंक हमें इंटेंसिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिंक की दो टाइप्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल सिंक होता है, एक वर्टिकल सिंक होता है। हॉरिजॉन्टल सिंक लाइन जब फिनिश होती है और दूसरी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल सिंक इन्फॉर्मेशन बता रही होती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं तो फिर आपका जब लाइन फिनिश होती है और वापस आ रही होती है तो वो ब्लैंकिंग टाइम होता है, जब वापस आ रही होती है आपके लेफ्ट की जानिब ना, दूसरी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में। मगर अगर हम कलर की बात करते हैं तो फिर वो टाइम जो है ना वो कलर बस्ट ले रहा होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जब ये वाली लाइन, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखें जब ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई, सपोज़ करें ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, जब ये लाइन ख़त्म होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, सिंक का टाइम लेगी, ये कलर बस से पास होगी 8 सेकेंड में, फिर उसके बाद ये दोबारा बनना शुरू होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला सीन है। अच्छा,
तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में क्या होगा, आपकी पूरे एक इमेज बन गया, दूसरी इमेज पे जाना है। सिंपली एक डॉक्यूमेंट पे आप काम खत्म कर चुके हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलना है, आप नए डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे। इसी तरीके से ये वर्टिकल रिट्रेस भी यही करता है कि उसको दूसरे इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके चला जाता है। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, कंपोजिट की बात हो गई। कंपोनेंट, कंपोनेंट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसके अंदर आपके ल्यूमिनेंस का सिग्नल अलग जाए, क्रोमिनेंस का अलग जाए, वीडियो इन्फॉर्मेशन का अलग जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है कंपोनेंट वीडियो के, कंपोनेंट सिग्नल कहलाती है, कंपोनेंट वीडियो कह लें आप। ठीक है, कंपोजिट के अंदर हमारे पास तीन केबल्स होती थी, RCA केबल जिसको हम कहते थे, एक वीडियो की होती थी, दो ऑडियो की होती थी। हमारे पास कंपोनेंट के अंदर पांच केबल्स होती हैं, तीन आपकी वीडियो की होती है, लाइक कलर की, क्रोमिनेंस की, ल्यूमिनेंस की और वीडियो की, और दो ऑडियो की। ठीक है, और एस वीडियो के अंदर आपके पास दो होती हैं। ठीक है, एक क्रोमिनेंस की होती है और एक कलर की होती है। ठीक है, तो कोई मसला इसके अंदर? एस वीडियो के अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जो ल्यूमिनेंस और क्रोमिनेंस सिग्नल होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं, और जो क्रोमिनेंस होता है ना, जो सी सिग्नल होता है, जो आपका कलर सिग्नल होता है, वो बेसिकली सी बी और सी आर, ये सी बी सी आर पर छोड़ दे, ब्लू और रेड का कम्बिनेशन होता है, सही है ना, जो कि क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकोडिंग ज़्यादा होती है बनिस्बत कंपोनेंट की, सबसे कम इनकोडिंग होती है, क्योंकि सेपरेट ही जा रहे होते हैं, उसको इनकोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी क्वालिटी भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एस वीडियो की थोड़ी सी कंप्रोमाइज होती है, कंपोजिट की और ज़्यादा कंप्रोमाइज होती है। ठीक है, तो यही वजह थे, पर सबसे पहले HDMI की होती है, फिर उसके बाद कंपोनेंट, फिर एस वीडियो, फिर उसके बाद कंपोजिट, और फिर उसके बाद जी को एक्सेल की होती है। ठीक है, ये हमारा मेनली ये मेन टॉपिक थे जो हमने कवर करना था। और ये देख लीजिए, सेंसर साइज, सेंसर साइज़ की हम बात करते हैं शुरू शुरू के अंदर। सेंसर साइज़ से पहले सर्कुलर ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी, जो कि अब ऑब्सलीट हो गई हैं। सर्कुलर ट्यूब इस तरह से, इस तरह की होती थी। ठीक है, तो अब जो है ना, अब सेंसर साइज़ की अगर हम बात करते हैं, वो अगर हम लोग ने इसका साइज़ मेजर करना होता तो हम लोग डायमीटर ऑफ द ट्यूब ले लेते थे, जो कि डायगनल मेजरमेंट होती थी आपकी पिक्चर की। ठीक है, मगर अब जो है ना, सेंसर्स आ गए, सेंसर्स लेटेस्ट इन्वेंशन है। दो तरह के सेंसर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CCD और CMOS। ठीक है, जितना ज़्यादा सेंसर का साइज़ बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस भी होगी, लिहाजा आपने अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक चूज़ करना है कि आपके सेंसर का साइज़ क्या होना चाहिए और क्या कितना इमेज आपने कैप्चर करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेंसर का साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा लाइट जो है ना, वो कैप्चर करेगा। ठीक है, और सेंसर का साइज़ जो है ना, लेंस साइज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, कोई इसमें इतनी ज़्यादा नहीं, बस ये दो बातें बतानी थी कि सर्कुलर ट्यूब्स पहले यूज़ हुआ करती थी, जो कि अब ऑब्सलीट हो गई, और हम लोग सेंसर्स की बात करते हैं। सेंसर्स मेनली 1 इंच से ना कम होते हैं, इसका जो साइज़ होता है यूँ होता है 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/3, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 2/3, 1/3, 1/4, 1/2 और 1 इंच, इस तरह से होते हैं। अब तो और भी आगे 1/6, 1/5, इस तरह से आ रहे होते हैं, मगर मेनली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही हैं। ठीक है, आप यूँ कर लें, इसकी मैंने एक आसानी, मैंने अपने लिए एक निशानी रखी हुई थी कि 0, 25%, 33%, फिर उसके बाद 50%, फिर 66, फिर 75 और 100%। अब देखें, 0 का मतलब तो छोड़ देना, 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 33% 1/3 इंच, फिर 50% 1/2 इंच, फिर आपके पास 66% 1/3 इंच, फिर 75 1/4 और 100 1 इंच। 1 इंच का भी नहीं, 1 इंच का भी कोई यूज़ नहीं करता, इन्हीं के दरमियान की वैल्यू होती है, 0 और 1 के दरमियान। सही है, तो ये चीज़ होती है। और MC डोरी का एक कॉन्सेप्ट है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। MC डोरी मैंने आपको बताया था, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप कभी भी कैमरे की बात करते हो, तो फिर आप, अगर आपको कोई भी चीज़ इनमें से करनी पड़ती है, लाइक आपने डिटेक्शन करना है, आपने ऑब्जर्व करना है, आपने रिकग्नाइज़ करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसकी कुछ परसेंटेजेस होती हैं, जो कि आपके कैमरा दिखाने की सलाहियत रखेगा तो आप कैमरा लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। जब कभी भी आपने पर्सन को डिटेक्ट करना पड़ता है, तो आपको स्क्रीन का 10% जूमिंग चाहिए होती है, कि आपकी स्क्रीन के अंदर 10% जो है ना, उसके इमेज आना चाहिए,
तो ये आपकी डिटेक्शन होगी। रिकग्निशन के लिए आपको 50% मतलब आपने अपने कैमरे का लेंस इतनी दूर तक सेट करना है कि 50% तक तो इमेज आपको नज़र आए क्लियर, तो फिर आप रिकग्नाइज कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना आपको 120% स्क्रीन की होनी चाहिए। देख रहे हैं आप बंदे की कितनी सी डिटेल आ रही है, सिर्फ इतनी डिटेल आ रही है, सही है, यहाँ तक डिटेल आ रही है बस। और ये जो डिटेल होती है ना ज़्यादातर 5 से 6 मीटर तक की होती है या 7 मीटर तक की, इससे ज़्यादा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कार नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं तो कार नंबर प्लेट को भी आपने 50% पे आनी चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी मैंने सोचा था एक अच्छी स्लाइड है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और जी आखिरकार उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे दोबारा आ गए जी, जहाँ से चले थे हमारी ट्रेन वहीं पे आकर रुक गई, और ये आ गया जी, थैंक यू, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड्स बताने थे ATSC और DVB, वो भी आपको पता चल गया, बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। मेनली हम दूसरे लेक्चर के अंदर, अब हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग का लेक्चर लेंस के मुतालिक होगा, लेंस हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा CCTV का लेक्चर 1, 2-1, 2-2 के अंदर हम लोग ने लेंस सेंसर्स कवर कर लिए, ठीक है। सेंसर के साइज़ के मुतालिक बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने, क्योंकि जब लेंस का साइज़ हम करेंगे उस वक्त हम लोग इसको भी डिटेल देखेंगे, बेफिक्र हो जाए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमने भी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना लेंस, अब हमारा टॉपिक होगा लेंस का, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।